सभी जानते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुणों से भरपूर एक हेल्दी नाश्ता रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें और हम आज का हेल्दी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। हेल्दी नाश्ता रेसिपी के लिए यहाँ मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल, जिसे मैंने रात भर के लिए भिगो लिया था। इस हेल्दी नाश्ता रेसिपी के लिए मूंग दाल को कम से कम 7-8 घंटों के लिए भिगोना जरूरी है। मूंग दाल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होती है, तो इसे हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब मुझे भिगोई हुई दाल को ग्राइंड करना है, जिसके लिए इसे मैं एक ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसमें डालें 1 चम्मच नमक, 10-12 कड़ी पत्ते, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची और इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लें। पानी डालने से दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी और ग्राइंड करने के बाद दाल की इस तरह की पेस्ट बनकर तैयार होगी। ये देखिए, दाल की बढ़िया पेस्ट बन गई है, बिल्कुल जैसी मुझे इस हेल्दी नाश्ता रेसिपी के लिए चाहिए थी। अब इसमें डालें 1/3 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच नारियल का पूरा डालकर अच्छे से मिला दें। मैं इस हेल्दी नाश्ता रेसिपी में नारियल का पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नारियल का पूरा डालने से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। अब मुझे दाल के मिक्सचर के पूड़े सेकने हैं, जिसके लिए गरम तवे पर कुछ बूंदे तेल डालकर इसे इस तरह हल्के हाथों से वाइप करके हर तरफ फैला दें। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर फिर से हल्के हाथों से वाइप कर दें, ताकि तवा बढ़िया चिकना हो जाए। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ दाल का मिक्सचर डालें और हल्के हाथों से इस तरह फैला दें। यहाँ पर मैंने दाल के पूड़े की मोटाई लगभग आम रोटी की मोटाई के बराबर रखी है, तो इसे तब तक फैलाएं जब तक ये रोटी की मोटाई जितना पतला ना हो जाए। इसके चारों तरफ मैं कुछ तेल की बूंदें इस तरह से डाल दूंगी, ताकि ये नीचे तवे से चिपक ना जाए। गैस मैंने मीडियम पर सेट की है, क्योंकि तेज गैस पर पकाने से ये जल सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट सेकने पर जब ये पक कर क्रिस्पी से हो जाएं, तब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लें। मैं इसे हल्का हल्का दबाकर प्रॉपरली सेक लेती हूँ। लगभग 30-40 सेकंड सेकने के बाद अब इसे पलट दें। अब मैं इसमें बाकी सामग्री डालूंगी। यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी मोजरेला चीज, थोड़ा सा बारीक काटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक काटा हुआ टमाटर, बारीक काटा हुआ धनिया, लगभग 2 चुटकी काली मिर्ची पाउडर, लगभग 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी गरम मसाला डाल दें। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी का कोई और मसाला जैसे चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से बड़ी आसानी से इस तरह रोल कर लें और ये दाल से बना हेल्दी और बहुत टेस्टी नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। सभी जानते हैं कि दाल कितनी पौष्टिक होती है, तो जिन्हें दाल खाना बोरिंग लगता है, उन्हें ये हेल्दी नाश्ता खिलाएं, वो भी इसके फैन हो जाएंगे। अब मैं इस टेस्टी चीजी और हेल्दी नाश्ते को इस तरह बीच में से काट कर सर्व करूंगी। ये देखिए, ये देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं कि इन्हें अभी खाने का मन कर रहा है। आई एम श्योर अगर हेल्दी दाल को इस तरह स्नैक के रूप में सर्व किया जाए, तो बच्चे भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। इस तरह की टेस्टी, हेल्दी और नई नई रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।